अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात अमित शाह के लखनऊ दौरे की और इसके सियासी मायने की। अमित शाह लखनऊ आए और उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा सियासी ऐलान कर दिया और वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 2022 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी जीत गई। अमित शाह ने साफ कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उन्होंने इस बात का आह्वान अपने कार्यकर्ताओं के सामने कार्यकर्ताओं की इस रैली में किया कि अब कार्यकर्ता इस बात के लिए जुट जाएं कि 2022 में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कि अब ये बात साफ हो गई, धुंध छट गया कि योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ चेहरा होंगे, योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ नेतृत्व करेंगे। अब ये साफ हो गया, अमित शाह ने एक तरीके का ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब 2022 के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं, कुछ नहीं। एजेंडा भी उन्होंने तय कर दिया, क्या होगा सियासी एजेंडा। अमित शाह ने कहा कि उनका खून खौलता था जब उन्होंने ये देखा कि लोग कैराना जगहों से जैसे जगह से पलायन कर रहे थे और अब उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक बड़ा एजेंडा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुगलों के वक्त से लेकर 2017 तक बाबा विश्वनाथ, भगवान राम, भगवान कृष्ण की यह धरती कभी उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं बन पाई, लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की ये एक नई पहचान है। एनकाउंटर्स में जितने अपराधियों का सफाया हुआ, इस पर भी उन्होंने सीधी सीधे बातें कह दी। यानी कि 2022 का चुनावी एजेंडा किस तरफ जा रहा है, अमित शाह के इस भाषण से साफ हो गया। दूसरी तरफ सीधा सीधा तंज विपक्ष पर। अखिलेश यादव का नाम लेकर अमित शाह ने यह कहा कि सरकार का जवाब तो सरकार देगी, सरकार का जवाब, कामकाज का हिसाब सरकार देगी, लेकिन अखिलेश यादव को भी हिसाब देना होगा और हिसाब ये कि 5 सालों में वो कितने दिन तक विदेश में रहे, कोरोना के इस महामारी के दौरान वो कहाँ थे, और साथ साथ ये भी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी उन्होंने नाम लिया, गांधी वाड्रा परिवार कहा और ये कहा कि ये सियासी बरसाती मेढक जैसे हैं। यानी कि संज्ञा भी बरसाती मेढक से, तुलना भी। कुल मिलाकर अमित शाह ने लाइन बिल्कुल साफ खींच दी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी क्या करने जा रही है। अब असली घमासान अब शुरू होगा कि विपक्ष के खेमे से मुख्यमंत्री का चेहरा, बीजेपी की तरफ से बीजेपी का चेहरा अब साफ है। दूसरी तरफ अपने घोषणा पत्र को भी सामने रखते हुए अमित शाह ने कहा कि 90% जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा कर दिया है और अगले 2 महीने में बचे हुए 10% वो भी पूरे कर लिए जाएंगे और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर 2022 के इस एजेंडे में उन्होंने साफ कर दिया कि क्या पार्टी करने जा रही है, किसके नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है और विपक्ष के लिए क्या बीजेपी और उनकी पार्टी के तर्कस में तीर है। तो ये थी आज के यूपी की सियासत। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।